नमस्कार। कैंसर के बहुत सारे कारकों में तंबाकू सबसे बड़ा कारक है। तकरीबन 40% कैंसर का कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। इसलिए समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च ने एक स्लोगन दिया, तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा कैंसर के ऊपर सेमिनार आयोजित की गई, जिसका विषय था तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित की गई एवं आमंत्रित अतिथियों तथा चिकित्सकों ने भी दीप प्रज्वलन में सहयोग किया। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी का। नियरली 8 मिलियन, आई थिंक 80 लाख लोग इस तंबाकू के सेवन से वो अपनी महत्वपूर्ण जिंदगी, दे बाय टबैको एंड सेल देयर लाइफ अगेंस्ट इट। ये तंबाकू ऐसा है जो सबसे अजीज हो जाता है और सबसे अल्लाह का प्यारा हो जाता है। तंबाकू से जो हमारे बच्चे, सी वी ऑल वॉन्ट अवर चिल्ड्रन टू ग्रो गुड, दिस फोरम इज टूडे टू प्रोवाइड अवेयरनेस दैट द कंट्रीज एवरी चाइल्ड डज नॉट फॉल प्रे टू टबैको। एडवाइस शी वॉन्ट्स टू गिव टू ऑल ऑफ अस, प्लीज मैम। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे अच्छा जो कंज्यूमर है, यू नो टबाको किल्स द बेस्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर। जो जितना खाता है वो अपनी ग्रेवयार्ड की ओर जल्दी चलता है। सो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बंद तो कभी नहीं होगा। बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हर एक देश को लाभ मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता है और ये बहुत ही एक रेवेन्यू चर्निंग इंडस्ट्री है। तो बंद करने के लिए आप और हम ही हैं। अगर मैं कहूँ सरकार जिम्मेवार है, वो नहीं बैन कर पाता है, आई डोंट थिंक वी हैव एनी वे ऑफ टेलिंग आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप। इट इज़ यू एंड मी, आप और हम मिलके ही इसको बंद कर सकते हैं। इसीलिए इसके प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। सो तंबाकू बहुत तरह तरह के रूप में बेचा जाता है, कुछ स्मोक फॉर्म में है, कुछ चबाने के फॉर्म में है और कुछ टूथपेस्ट के फॉर्म में आते हैं। गांव में जाएंगे तो आपको देखेंगे छोटे छोटे बच्चे तंबाकू का सेवन किस रूप से करते हैं, टूथपेस्ट, एंड दे आर सो इनोसेंट, उनको पता ही नहीं वो क्या चीज़ है और किस ट्रैप में वो फंसने जा रहे हैं। कैंसर तो खैर हम बात करते हैं इसकी, बिकॉज ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, बट आप देखेंगे यंग पेशेंट्स, यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, यू नो बहुत सी दिक्कतें, तरह तरह की दिक्कत होते हैं। मेल्स फीमेल्स में इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, ये चीज़ें भी बहुत देखने को मिलता है। शायद बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। सो तंबाकू का अगर आप बोलेंगे इसमें अच्छी चीज़ क्या है, शायद उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, शायद इसमें क्या ऐसा चीज़ है। एक चीज़ ज़रूर हम देखते हैं कि हाँ, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, बट ये एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स कराता है। इट गेट्स यू सो क्लोज टू रिलैक्सेशन दैट यू फाइंड इट इन योर ग्रेवयार्ड्स। लोग सोचते हैं कि इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, आई डोंट थिंक। अगर आपने ठान लिया और जान लिया ये चीज़ क्या है, इट डजंट इवन टेक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू थिंक। जिंदगी में इतना कुछ करने के लिए है, आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग ऑन दीज टबैको। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ये चीज़ अगर हम समझ जाएँ कि जिंदगी मौका आपको एक ही बारी देती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पदार्थ है कुछ अहम, कुछ वैल्यू जिसका कुछ भी नहीं है। इतना हम सब कुछ सुन चुके हैं।